Now the question number 2, we have to solve a differential equation dy over dx is equal to minus y. जो हमारी कोर्स का स्कोप है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो हम वेरी फर्स्ट टेक्निक यूज करते हैं दैट इज सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स सेपरेट कर देना. वेरिएबल्स सेपरेट करने से मुराद y और x दोनों अलग अलग कर देना, dx के साथ x के वेरिएबल्स और dy के साथ तमाम y वेरिएबल्स ज्वाइन कर देना. दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. कल हम लोग बात कर रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें डेरिवेटिव्स नहीं होते, यानी डिफरेंशियल लेस एक्सप्रेशन हमने देना होता है. तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स हमने खत्म करने हैं और डेरिवेटिव्स खत्म होते हैं उसके इनवर्स प्रोसेस से, विच इज वी ऑलरेडी नो जी क्या होता है वो, दैट इज इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव. लिहाजा बेसिकली हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल्स सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, इस तरह डेरिवेटिव्स खत्म होंगे और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो लेट स्टार्ट जी सेपरेटिंग द वेरिएबल्स. डी वाई, ये वाई राइट साइड पर मौजूद है, लेफ्ट साइड पर आएगा तो डिवाइड इज इक्वल टू डी एक्स, हमने राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया. So this one is called separating the variables. और हम जो हमारी exercise 3.8 है उसमें जो आपका course है उसका scope यहीं तक रहेगा, यानी यही technique use करेंगे variables separate करके differential equation को solve करने के लिए. Now integrate the given expression. दोनों तरफ हमने integration का symbol add किया. अब हम already जानते हैं 1 over y बेसिकली इंटीग्रेशन होगी log ऑफ y इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन x एंड देन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब यहां पर एक छोटी सी चीज, ये हम पहले भी चैप्टर में बात कर चुके हैं कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब जब हम किसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं तब तब आता है, यानी जब हमने 1 ओवर y की इंटीग्रेशन की तो आएगा log ऑफ y प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू राइट साइड पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हो रही है जी, ये डी एक्स यहां पर एक्सप्रेशन इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस वन इज डी वाई इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, लिहाजा दैट विल बी लॉग ऑफ वाई और यहां पर जब हमने इंटीग्रेशन की तो दैट विल बिकम माइनस एक्स और प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगेन से दैट इज सी टू. इसके बाद अब इस इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है, हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया है जिसमें डेरिवेटिव्स नहीं है, सो दैट इज एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और कोशिश कीजिए कि आंसर्स इसके वही आ जाएं जो बुक वाले हैं. वेरी कर सकता है लेकिन पहली प्रायोरिटी यही दें कि हम आंसर वही ले आए जो बुक में है. लिहाजा इसको थोड़ा सी रीअरेंज किया जाए, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस C2 माइनस C1. दो कॉन्स्टेंट्स अगर सेपरेट हो लाइक 6 माइनस 2 तो हमारे पास आंसर आता है 4 विच इज अगेन अ कॉन्स्टेंट, लिहाजा इसका रिजल्ट भी एक कॉन्स्टेंट ही आएगा. इसलिए हम मल्टीपल इंटेग्रल्स जब यहां पर कर रहे होते हैं, मल्टीपल इंटेग्रल से मुराद यहां पर के लेफ्ट साइड पर भी इंटीग्रेशन हो रही है राइट साइड पर भी इंटीग्रेशन हो रही है, तो जब हम लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन करेंगे तो भी कांस्टेंट आएगा, राइट साइड की करेंगे तब भी कांस्टेंट आएगा, जब दोनों कांस्टेंट्स सॉल्व किए जाएंगे तब भी एक कांस्टेंट आएगा. लिहाजा हम इस सारी लेंथी प्रोसीजर से बचने के लिए सिर्फ एक कांस्टेंट राइट साइड पर नॉर्मली ऐड कर दिया करेंगे. सो दैट विल बिकम लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी वन जी. अब यहां पर अभी मैंने बोला कि कोशिश कीजिए कि आंसर वही आ जाए जो बुक में है, तो इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन बाजोकात वेरी करेगी. लॉग हम खत्म करते हैं नॉर्मली टेकिंग ई ऑन बोथ साइड्स,
यानी एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया जाए, ई एंड लॉग आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो ई अप्लाई किया लेफ्ट साइड पर भी, ई इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लिहाजा जिस पर भी हम ई अप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम द पावर, लाइक माइनस एक्स प्लस सी वन विल बिकम एक्सपोनेंट, सो दिस विल बी माइनस एक्स प्लस सी वन, सो लेफ्ट साइड विल बिकम वाई एंड राइट साइड इज ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज टू द पावर सी वन। ई की पावर में माइनस एक्स और सी वन मौजूद हैं, तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर पावर ऐड हो रही हो तो हम अलग अलग बेस को कर सकते हैं, यानी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स सेपरेट कर दिया इंटू ई रेज टू द पावर सी वन। अब ई की पावर सी वन, जैसे अभी हमने बात की कि अगर दो कॉन्स्टेंट्स आपस में सॉल्व हों तो भी रिजल्ट विल बी अ कॉन्स्टेंट, इसी तरह ई इसकी वैल्यू होती है 2.718 एंड सो ऑन, अगर हम इसकी कोई पावर करते हैं सपोज 2, 3 या 4, तब भी तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट नंबर ही आएगा अगर हम इसकी कोई कॉन्स्टेंट पावर लें, लिहाजा e रेस टू द पावर c1 इसको भी हम एक कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट कर देंगे, सो y इज इक्वल टू c वेयर c इज e रेस टू द पावर c1 इन टू e रेस टू द पावर माइनस x, सो दैट इज आवर आंसर और द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, y इज इक्वल टू c इंटू ई रेस टू द पावर माइनस x। तो ये प्रोसीजर हम थ्रू आउट एक्सरसाइज में फॉलो करेंगे कि सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में से वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करने से मुराद कि डी वाई की तरफ तमाम y वेरिएबल्स को शिफ्ट कर देंगे, डी एक्स के साथ तमाम x वेरिएबल्स अटैच कर देंगे, एंड देन आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी अप्लाई द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद उन्हीं तमाम मेथड से इंटीग्रेशन हो जाएगी जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, हम काफी लेंथी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, यहां पर निस्बतन बहुत छोटी छोटी सी इंटीग्रेशन होगी बिकॉज यहां पर कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो अब उसके बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन बचेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए दैट विल बी वेरी सिंपल, सो यू कैन इजिली इंटीग्रेट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस।